वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने आपको एक प्लान बताया था, स्लॉट वन बनाया था, जिसमें आपको 10 डेज का मैंने कंप्लीट वे बताया था कैसे आपको सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, कैसे टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको अपने करंट सब्जेक्ट को मैनेज करना है, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया था। और होपफुली बहुत सारे बच्चे इस प्लान को फॉलो कर रहे होंगे, जो नहीं फॉलो कर रहे दैट इज फाइन, मे बी उन्होंने कुछ अपने तरीके से प्लान बना रखे होंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब आज जो है इस प्लान को एग्जीक्यूट हुए कितने दिन हो चुके बेटा, दिस इज द फोर्थ डे। अब अगर ये फोर्थ डे है तो मैंने आपको बोला था कि जब आपका फोर्थ डे आपका आ चुका है तो आज मैंने आपसे बोला था कि आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। अब मैंने सिलेक्शन क्या बताया था, फर्स्ट स्लॉट मैंने सिलेक्शन क्या बताया था, करंट सब्जेक्ट जो भी आपका चल रहा हो आप उसको रन करते रहो 4 आवर्स के अप्रोक्सीमेटली, मैंने बताया था 4 आवर्स आपको लगभग आपको डेली पढ़ाई करना है। रेस्ट टाइम में क्या करना है, रेस्ट टाइम में आपको एक इजी सब्जेक्ट पिक करना है। इजी सब्जेक्ट्स की कैटेगरी मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू मी कि मैंने कैटेगरी में क्या रखा था, नेटवर्क थ्योरी रखा था, सिग्नल सिस्टम रखा था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रखा था, कंट्रोल सिस्टम मैंने रखा था। ये इनमें से कोई मैंने कहा था कोई भी एक सब्जेक्ट आप पिक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया था कि आप ले सकते हो, आप नेटवर्क थ्योरी ले सकते हो। अब देखिए कुछ बच्चों का ये भी था कि सर ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल ईसी के लिए है कि मैकेनिकल सिविल के लिए, ये सबके लिए है। जो प्लान मैंने स्लॉट्स के फॉर्म में बना रखा है ये आप बेटा कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट हो वो उसको फॉलो अप कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है। अब इजी सब्जेक्ट उसका भी कुछ ना कुछ होगा। अब मैकेनिकल की बात करो तो मैकेनिकल में भी कुछ इजी सब्जेक्ट्स होंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड, आप सोम लेते हो कि एफएम लेते हो कि आप कौन सा सब्जेक्ट, मशीन डिजाइन आप लेते हो कि आप कौन सा सब्जेक्ट आप करते हो, ये आपके ऊपर, प्रोडक्शन है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, तो वो आप डिसाइड करो कि व्हाट इज योर इजी कैटेगरी, व्हाट इज योर समथिंग सम काइंड ऑफ टफ कैटेगरी। टफ कहने का मतलब जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आपको होती है कंपेयर टू इजी कैटेगरी सब्जेक्ट्स। तो अब सोचिए आज आपको टेस्ट देना था, अब आज आपने टेस्ट दिया होगा, जो नहीं फॉलो कर रहे हैं इसको एग्जैक्टली फॉर्म में मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता, बट अगर आप स्ट्रिक्टली जितने भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा आपने टेस्ट दिया होगा। अब टेस्ट जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, आपने टेस्ट किया होगा, तो मैंने उसमें कहा था टेस्ट आप दोगे टॉपिक वाइज टेस्ट आप दोगे वो जो इजी सब्जेक्ट आपने पिक किया होगा। अब उस टेस्ट को देने के बाद मैंने कुछ उसमें एनालिसिस के लिए बोला था, आप उसको प्रॉपर एनालाइज करोगे और आपको कुछ भी पॉइंट ऐसा लगता था आप उसको अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करोगे विदाउट हैम्परिंग द करंट सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन आपकी चल रही है उसको बिल्कुल भी हैम्पर नहीं करना है। अब देखिए आज मैं आपसे इसी चीज को बताने वाला हूं कि टेस्ट सीरीज जब भी आप अटेम्प्ट करते हो तो उसको एनालाइज कैसे करना होता है, हाउ टू मेक एनालिसिस ऑफ द टेस्ट सीरीज, और उसका एडवांटेज आप कैसे ले सकते हो कि नेक्स्ट टेस्ट जब आप दोगे तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए जो आपकी फर्स्ट टेस्ट सीरीज हुआ। तो बिफोर सेइंग एनीथिंग सबसे पहले आप सबको एक कमेंट में एकदम जेन्युइन बताना, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको किसी दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप जेन्युइनली कमेंट करके बताओ कि आज जो आपने टेस्ट दिया जो भी इजी सब्जेक्ट आपने पिक किया था, वेदर ही इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या मैकेनिकल सिविल, कोई भी इंजीनियरिंग का बच्चा हो, मैं चाहता हूं आप कमेंट मुझको एकदम जेन्युइन आंसर करना कि आप कितने मार्क्स आप गेन किए, कितना आपका परसेंटाइल रहा, कितने मार्क्स आउट ऑफ कितना आपने गेन किया। मान लिया 20 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स का पेपर, आपने कितना गेन किया, तो मुझे एक बेटर आइडिया होगा कि एग्जैक्टली क्या इस प्लान को करते हुए आपको बेनिफिट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज चीजें उस वे में नहीं जाएंगी जैसा आप सोचते हो, ठीक है। तो अब देखिए अब आपका जब आपने टेस्ट सीरीज दे लिया तो आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए, सबमिट कर दिए, आपके पास पूरी एनालिसिस रिपोर्ट आ गई परफॉर्मेंस एनालिसिस की। अब उसमें जब टेस्ट दिए तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपसे गलतियां क्या हुई। तो कुछ बच्चों की ये है कि सर मैं ज्यादा मार्क्स नहीं गेन कर पाया, मैं बहुत कम मार्क्स गेन पाया, मैंने सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से था फिर भी मैं उतना मार्क्स नहीं गेन कर पाया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ उसके पीछे बहुत सारे लॉजिकल रीजंस हैं और बहुत सारे, और ये सारी चीजें आपको अभी से इंप्रूव करते जाना है जैसे कि नेक्स्ट टेस्ट जब भी आप दोगे आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए और वो थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होते चले जाए, एक स्टेडी वे में इंप्रूव होता जाएगा, तो जब अगले टेस्ट में आप जाओगे तो वो सारी एटलीस्ट गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, वो मिनिमाइज हो जाएगा। ओके अब बताइए, अब टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया, सबसे पहले देखिए टेस्ट सीरीज की एनालिसिस कैसे की जाती है।
सबसे पहली चीज, आप जब टेस्ट सीरीज आप दे लिए होंगे तो उसमें आपका मेन प्रॉब्लम क्या क्या आई होगी, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं जिससे आप उस टेस्ट को उतना अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाए जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहां लिख रखे, इश्यूज बिहाइंड दिस। अब इसके लिए क्या क्या हो सकता है, सबसे पहली चीज होती है लैक ऑफ कंसेंट्रेशन। अब लैक ऑफ कंसेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, लैक ऑफ कंसेंट्रेशन मीनिंग क्या होता है, आप कई तरीके से इसको सोच सकते हो। आप उस क्वेश्चन पे, मान लिया आप क्वेश्चन ओपन किए होंगे, आपने क्वेश्चंस को देखा, मान लिया पहले क्वेश्चन आपने देखा और आपके मन में तुरंत आ गया तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, मैं तो फट से बना दूंगा, तो फट से बना दोगे, इसका मतलब आप ज्यादा कंसेंट्रेट नहीं किए उस क्वेश्चन पे और आपके गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कंसेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आप अपना कंसेंट्रेशन बहुत अच्छा मेंटेन करिए। आप जहां पे भी टेस्ट दे रहे हो, अगर आप अपने घर में टेस्ट दे रहे हो, आप लैपटॉप पे दे रहे हो, आप मोबाइल पे दे रहे हो, कहीं पे दे रहे हो, तो जितनी देर का वो टेस्ट है ना, आपका कंसेंट्रेशन वीक नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ही कंसेंट्रेट होके देना, एक एक लाइन आपको पढ़ना है, क्या वैल्यूज दे रखे, क्या चीजें दे रखी। जब तक आप कंसेंट्रेट सही से नहीं करोगे तब तक उस चीज को अच्छे वे में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपका कंसेंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। और कंसेंट्रेशन लेवल कैसे आप डेवलप करते हो, आप देखिए आपके पास दो टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, दो तरीके के, हमेशा जिंदगी में दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होती है जिस चीज को आप बहुत पसंद करते हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट भी उतना ही ज्यादा होता है, ऑब्वियस बात है उसमें कंसेंट्रेशन भी आपका बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज क्या होती है, जिस चीज को आप थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता आपको या जिस चीज में इतना इंटरेस्ट नहीं होता आपको, उसमें कंसंट्रेशन भी उतना ही वीक होता चला जाता है। तो आप जो सब्जेक्ट्स आप कैटेगराइज किए हो ना, आपका ये, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इजी सब्जेक्ट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली उसमें सबका इंटरेस्ट होता है और उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। जब मैं टफ सब्जेक्ट्स पे थोड़ा जाता हूं या आपको जो जिससे थोड़ा सा डर सा लगता है, जिसमें थोड़ा सा पैनिक हो जाते हो, जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती, उसमें आपका कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं बन पाता क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो कंसंट्रेशन अगर आपको गेन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हो उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका इंटरेस्ट है बेटा उस सब्जेक्ट में तो कंसंट्रेशन लेवल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो कंसंट्रेशन के एक दो पॉइंट, एक तो मैंने बता दिया, कंसंट्रेशन अगर इंप्रूव करना है तो डेवलप इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। आपका जितना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट होगा उतना अच्छा आप कंसंट्रेशन आप क्रिएट कर पाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, कंसंट्रेशन गड़बड़ाता कब है। आप कोई भी क्वेश्चन को ऐसे मत सोचो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो मैं इसको फटाक से कर दूंगा, उसका जो करेस्पॉन्डिंग रिजल्ट होता है ना उसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। तो मैंने दूसरा पॉइंट इसीलिए लिखा है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक हमेशा इस वजह से नहीं होता कि आपका कंसेप्ट गड़बड़ है, आपका फॉर्मूला आपने गलत लगा दिया, ये नहीं होता है। सिली मिस्टेक की सबसे बड़ी वजह होती है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि आप उसको थोड़ा सा इजी ले लिए, आप सोचे ये तो मैं कर ले जाऊंगा, तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस उतने बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जिस भी क्वेश्चन को, जिस भी टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, और आपको ऐसा लग जाता है कि ये मैं तुरंत कर दूंगा इसको सॉल्व, आपको उसमें और ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन को करते हो क्योंकि आपको पता है मैं कर सकता हूं, तो इसका मतलब फुल एकदम फाइनल है कि आप इसमें मार्क्स अचीव कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। वन मार्क होगा वन मार्क पा सकते हो, टू मार्क्स का क्वेश्चन होगा टू मार्क्स आप पा सकते हो, तो आपसे गलती उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका वो श्योर शॉर्ट मार्क्स है। बट गलतियां सिली मिस्टेक लोग कहते हैं ना, सिली मिस्टेक सर बहुत हो रही है, सिली मिस्टेक इसीलिए होते हैं कि आप उसको बहुत लाइटली ले लेते हो कि ये तो मुझको आता है, ये तो मैं कर ले जाऊंगा। तो अगर आप कर ले जाओगे तो उसी चक्कर में, जल्दी जल्दी चक्कर में ना आपसे छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, आपसे फॉर्मूला में कुछ गलतियां हो जाती है, मुझसे बोलते सबसे होती है। तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि आप ध्यान रखिए हमेशा कि कंसंट्रेशन अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट डेवलप करोगे उतना ही ज्यादा आपका कंसंट्रेशन मेंटेन होगा। जो क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको लगता है आप कर सकते हो, उसमें भी उतना ही कंसंट्रेशन आप लगाओ, बिल्कुल आप लगाओ, अदरवाइज सिली मिस्टेक आपको डेफिनेटली होगी। तो सिली मिस्टेक अवॉइड करने का केवल एक ही तरीका है, वो ये तरीका है आपका कि आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन आपका है, तो कंसंट्रेशन का आपको इंप्रूव करना है, दैट इज वन थिंग। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो आप पास, जो आपका ये, वैसे मैंने थर्ड लिख रखा है लेकिन ये दूसरा आपका है कि टेस्ट सीरीज में अगर गड़बड़ कुछ हुआ तो उसकी वजह क्या है। पहला है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जिसका करेस्पॉन्डिंग इफेक्ट क्या है, सिली मिस्टेक है। दूसरा जो आपका है, रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला।
अब फॉर्मूलों को आप गलत तरीके से आप अप्लाई कर दिए, मतलब कि आपको लगा तो ये मैं कर ले जाऊंगा, लेकिन आप फॉर्मूला ही गलत तरीके से अप्लाई कर दिए, फॉर्मूला आप रिकॉल नहीं कर पाए कि इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा, तो उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब आपको तुरंत समझना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में या इस सब्जेक्ट में अगर मैं गलत फॉर्मूला लगा दिया, इसका मतलब है कि आपके रिवीजन में कहीं ना कहीं आप लैग कर गए हो। रिवीजन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका रिकॉलिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आप वो गलतियां आप दोबारा ना करो। इसीलिए मैंने आपसे कहा था बेटा, जब भी सोने जाओ ना, आपको मैंने कहा था 1 आवर आप आंख बंद करके ना चीजों को रिकॉल करना सीखो, जितना पिक्चराइज बना के चीजों को आप रिकॉल करोगे ना, उतना अच्छा आप एब्जॉर्व कर रख पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कितनी बार चीजों को रिवाइज करोगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक 100 times रिविजन ना, 100 बार तो रिविजन नहीं किया जा सकता ना, तो इसके लिए क्या करना, रिकॉलिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने फॉर्मूला गलत लगाया तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने रिविजन में सही तरीके से फोकस नहीं किया। सब इंटर रिलेटेड चीजें हैं, आपका अगर इंटरेस्ट होता उस सब्जेक्ट में, आपका अगर कंसंट्रेशन अच्छा होता उस सब्जेक्ट में, डेफिनेटली आप रिकॉल भी करते उस फॉर्मूले को। तो इसीलिए मैंने लाइन बाय लाइन लिखा इस चीज को। तो रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला तभी होता है जब आप उस चीज को आप बेटर वे में आप रिकॉल नहीं कर पाए। इसका मतलब आपको नीड है उस टॉपिक को जिसमें आप गलतियां कर रहे हो, उस टॉपिक को दोबारा अच्छे से रिवाइज करने की, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, जैसे वो रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला दोबारा ना हो सके। करेक्ट है। अब तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरा चीज है लैक ऑफ कंसेप्ट रिगार्डिंग द टॉपिक। अब ये जो आपका थर्ड है, जिसको मैंने फोर्थ यहां लिख रखा है, आपको बता दूं ये सबसे बिगेस्ट वन है। बिगेस्ट वन है कि आप जो टेस्ट दिए, मान लिया आपके 20 क्वेश्चंस थे, या कहीं पे 10 क्वेश्चन थे, कहीं 15 क्वेश्चन, मान लिया दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको यही नहीं समझ में आया कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका कंसेप्ट ही नहीं बिल्ड हो रखा है। अगर कंसेप्ट नहीं बिल्ड हो रखा है तो इसका मतलब उसको अटेम्प्ट करने कोई मतलब भी नहीं है। ऑब्वियस बात हो, गलती होगी उसके अंदर। तो उस केस में क्या है, उस केस में रिवीजन इज नॉट द इशू। उस केस में ये इशू है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का, आपका कंसेप्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंसेप्ट बिल्डिंग अगर करना है तो उसको आपको फिर से नोट्स को उठाना है और उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको समझना है कि एग्जैक्टली इस टॉपिक में क्या है। और वो तभी आएगा, कब आएगा बेटा, जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा उसके अंदर, जब आपका कंसंट्रेशन लेवल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, डेफिनेटली आप उस कंसेप्ट को लर्न कर पाओगे और ये गलती आप नहीं करोगे। तो कोई भी टेस्ट सीरीज अगर करता है ना, तो जब भी टेस्ट सीरीज करता है ना, तो ये 3-4 प्रॉब्लम्स बिगेस्ट होती हैं। पहला लैक ऑफ कंसंट्रेशन, रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला एंड रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट अगर आप गलत लगा रहे हो तो इसका मतलब आपको उसकी नॉलेज नहीं सही तरीके से। तो बेटर है कि आप नोट्स को फिर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तभी आप उस कंसेप्ट को समझ पाओगे और गेन कर पाओगे। नेक्स्ट टेस्ट में आप ऐसी गलती नहीं करोगे। रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला इसलिए हो रहा है कि आपका रिवीजन की कमी है। आप उसको, आपको पता तो है लेकिन आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली मुझको यही फॉर्मूला यहां पर लगाना है। समझ में आई मेरी बात। और मैंने क्या बताया, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। लैक ऑफ कंसंट्रेशन इसलिए आपको हो रहा है कि या तो आप बहुत इजी समझ लिए, आप उसको लाइटली ले लिए, या आप उस पर कंसंट्रेट नहीं किए ढंग से। दूसरा वजह हो सकती है कि आपका इंटरेस्ट नहीं उस सब्जेक्ट में उतना ज्यादा कि मैं इस सब्जेक्ट को भी उसी इंटरेस्ट से पढ़ूं जिसमें कि मेरा कोई दूसरा सब्जेक्ट जिसपे आप इंटरेस्ट है। तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना, कंसंट्रेशन लाना, तो आपको सिली मिस्टेक से प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा, आप अपने रिवीजन को थोड़ा सा अच्छे से आप करिए, रिकॉलिंग पावर अपनी अच्छी करिए, तो ऑब्वियस बात है आपका रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला कभी नहीं हो सकता। तीसरी चीज आपका है कि जो भी टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कंसेप्ट लगाने में प्रॉब्लम हो रही, इसका मतलब उस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है और इसको बिल्कुल अवॉइड मत करो बेटा, ये बिल्कुल ही आपको करना पड़ेगा। करेक्ट है। तो ये चीज, इसको कहते हैं टेस्ट पेपर की एनालिसिस। टेस्ट पेपर के एनालिसिस का मतलब ये नहीं बस आपने सॉल्यूशन देख लिया, इट्स फाइन। नहीं, आपको उसका, जब आपने सॉल्यूशन देखा तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें एग्जैक्टली गलती हमने क्या किया। तो आपके यही चारों गलतियां होती, बेसिकली यही चारों गलतियां आपसे होती हैं। तो ये चारों गलतियों को इंप्रूव कैसे करना, वो तरीके मैंने आपको बताया कि आपको ये काम आपको करना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग से, तो ये तो मैंने पहली चीज बता दी कि एग्जैक्टली हुआ क्या आपके साथ, जो टेस्ट में अगर गड़बड़ी हो रही तो उसकी वजह क्या है, तो ये सारी वजह है आपकी। अब देखिए, अब आप टेस्ट पेपर को, जैसे अगर मैं एज आपकी जगह मैं हूं तो मैं क्या करूंगा, मान लिया मैं टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहा हूं, टॉपिक वाइज मैंने बेटा टेस्ट दिया 0, 1 एंड 2। करेक्ट है। मैंने आपको उसमें टाइम स्लॉट बताया था कि आपको 1 घंटे कम से कम एनालिसिस करनी है।
अगर टॉपिक वाइज वन एंड टू में मान लिया 20 क्वेश्चन इसमें है और 20 क्वेश्चन इसमें है, तो आप बेटा एक सबसे पहले आप एक कॉपी बनाओगे, टेस्ट सीरीज कॉपी, टेस्ट सीरीज कॉपी, करेक्ट है। तो टेस्ट सीरीज कॉपी इसलिए बनाना इंपॉर्टेंट है, आप उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को आप नोट डाउन कर सकते हो, अपनी मिस्टेक्स को आप नोट डाउन कर सकते हो। तो आप लिखोगे उसमें, आज आपने टेस्ट दिया तो सबसे पहले आप मान लिया नेटवर्क दिया, कोई भी सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट कोई भी दिए होगे आप, तो आप क्या करोगे उसमें सबसे पहले टॉपिक वाइज वन, टॉपिक वाइज जीरो वन, और यहां एक दूसरे पेज बनाओगे टॉपिक वाइज जीरो टू। अब आप क्या करोगे इसमें क्वेश्चन वन से लेके क्वेश्चन 20 तक आप इसमें जस्ट नोट डाउन कर दो, क्वेश्चन नंबर ओनली, करेक्ट है। अब क्वेश्चन वन से लेकर 20 तक आप इसमें टिक कर सकते हो, जो आपके सही हुए, जो आपके गलत हुए। अब जो गलत हुए, जो आपके गलत हुए, किस वजह से गलत हुए, ये हमेशा नोट डाउन करके रखना। पहली चीज, अगर आपको लगता है मान लिया क्वेश्चन नंबर 18 में अटेम्प्ट किया और मेरे को सब कुछ उसमें आता, जब आपने सोल्यूशन देखा और गलती क्या होगी, फॉर्मूले में आर रखना भूल गया मैं, इसका मतलब लैक ऑफ कंसंट्रेशन था, दैट इज नोन एज सिली मिस्टेक। इसका मतलब आपको क्या करना है बेटा, आपको आपको समझना है कि कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से रखना, क्योंकि मुझको पता था फिर भी मैंने गलती कर दिया, तो दोबारा मुझको नहीं करना, तो आप यहां लिखोगे सिली मिस्टेक, करेक्ट होगी इतनी बात। दूसरा, आपको ये क्वेश्चन और लिए और उसका आपने सॉल्यूशन देखा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कैसे किया जा रहा है, इसका मतलब उसके उस टॉपिक के, पर्टिकुलर टॉपिक के किस में प्रॉब्लम, आपको कंसेप्ट प्रॉब्लम है, तो आप यहां पर लिख दो, मान लिया क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसा है, आप लिख दोगे लैक ऑफ कंसेप्ट, लैक ऑफ कंसेप्ट। उसके बाद क्या लिखोगे आप, टॉपिक नेम। अब टॉपिक नेम कुछ भी हो सकता है, ट्रांजिएंट हो सकता है, थ्योरम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्हाट एवर यू, जिसमें आपको प्रॉब्लम आई होगी, करेक्ट है। सिमिलरली कोई क्वेश्चन आपका आया, उसमें आपने क्या किया, उसमें रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला आ गया, रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, करेक्ट है। इसका मतलब आपको उसको रिवाइज करना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप बार बार उसमें गलती कर रहे हो, तो दिस इज द वे। आप क्या करो, ये आपका टॉपिक वाइज वन हो गया, ऐसे टॉपिक वाइज टू को आपने एनालाइज किया और आपने जो जो गलती यहां किया उस चीज को आप ध्यान से देखिए और फिर से आप उसको रिमूव करने की कोशिश करिए, जो तरीके मैंने आपको सिखाए हैं। उसके बाद आप देखना, जब आप नेक्स्ट टेस्ट में आप प्रोसीड करोगे तो आपको इन सब चीजों का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कंसेप्ट तो बदलने वाले नहीं है, फॉर्मूले तो बदलने वाले नहीं है, ऑब्वियस बात है क्वेश्चन तो बेटा आएंगे तो उन्हीं कंसेप्ट पाएंगे, उन्हीं फॉर्मूले पाएंगे, कुछ नया तो ऐसा बनने वाला नहीं है। और कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कंसंट रिलेटेड आते हैं, इजी क्वेश्चन रहेगा लेकिन घुमा फिरा कितना ऐसा बना देगा कि आपको लगेगा कुछ अलग ही चीज पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं होता हमेशा। ये चीज दिमाग में रखिए हमेशा कि आपके साथ जो प्रॉब्लम ना, ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है, और इसको अगर आपने इंप्रूव कर लिया तो एक टेस्ट, दो टेस्ट, तीन टेस्ट, चार टेस्ट, पांच, छह टेस्ट के बाद आप देखोगे ना, आप में बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट आ चुका होगा और आप टेस्ट सीरीज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो एनालिसिस करने के ये तरीके परफेक्ट होते हैं। इस एनालिसिस का मतलब इन्हें बस पेपर देख लिया, सोल्यूशन देख लिया, दैट इज फाइन। नहीं, कभी एनालिसिस ऐसा नहीं किया, एनालिसिस हमेशा प्रॉपर वे में होनी चाहिए जैसे उसको आप समझ सको, करेक्ट है। तो आप ये चीजें आप इस तरीके से आप करोगे, क्योंकि जब आपके 10-15 दिन बीत जाएंगे ना, आप इन सब चीजों को रिकॉल करोगे, मुझसे देखो सिली मिस्टेक होगी, नेक्स्ट मुझको नहीं करना, मुझसे यहां रॉन्ग कंसेप्ट लगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का, नेक्स्ट मुझको एक बार पढ़ के देना है नेक्स्ट वाले टेस्ट को, अदरवाइज मेरे से फिर से गलती होगी उस तरीके कंसेप्ट में, ये चीजें होंगी। और इस चीजों को अगर रिमूव करना है तो उस पर वर्क करना पड़ेगा आपको, करेक्ट है। तो ये हो गया एक चीज मैंने बताया एनालिसिस का पार्ट, जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, उसको कैसे रेक्टिफाई आपको करना है। अब दूसरी चीज आती है, मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, देखिए पहले ही टेस्ट अटेम्प्ट किए और इसमें क्या होता है, एक होता आपका एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एंड सेकंड वन क्या होता बेटा, स्पीड, करेक्ट है। तो जब भी नॉर्मल एक बच्चा जब भी टेस्ट सीरीज देता ना, तो उसकी सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम एक और भी होती है, वो क्या होती है, आपकी स्पीड के चक्कर ना आधी गलतियां तो वो होती हैं, इनमें जो गलतियां हो रही है ना, ये सारी गलतियां की वजह ये भी होती है स्पीड के चक्कर में। स्पीड चक्कर मतलब हो गया, उनको ये होता कैसे भी करके 20 क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट मारना है। नहीं बेटा, आपको ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान क्या देना, अगर आप इनिशिएट कर रहे हो टेस्ट सीरीज को, आप इनिशिएट कर रहे हो, आप एक दो टेस्ट अभी लिए हो या एक दो टेस्ट देना स्टार्ट किया, तो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक्यूरेसी के ऊपर। आप 20 में से आप 10 ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये सारी गलतियां आपसे ना हो और आप 10-10 क्वेश्चन क्या करो, आप करेक्ट करो।
वो ज्यादा बेनिफिशियल है। आप 20 क्वेश्चन के पता चला 6 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो जबरदस्ती का, क्योंकि आपको उसको 1 आवर के अंदर 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट मानना है, क्योंकि आपको इच्छा है कि मेरे रैंक आए, मेरे रैंक आए, अदरवाइज मैं अच्छा फील नहीं करूंगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। स्पीड के पीछे मत भागो, आप किसके पीछे भागो, आप एक्यूरेसी के पीछे भागो। जितना ज्यादा एक्यूरेसी पर आप वर्क करोगे, आप स्पीड ऑटोमेटिक उसके पीछे पीछे आएगी आपके। जितना ज्यादा आप एक्यूरेसी वर्क करते जाओगे, आप एक्यूरेट होते जाओगे, एक्यूरेट होते जाओगे, अपनी कमियों को हटाते जाओगे, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में आपकी एक्यूरेसी लेवल और अच्छा होता चला जाएगा। स्पीड भी धीरे धीरे डेवलप होगी। स्पीड इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। स्पीड कोई रैंडम नहीं आ सकती कि आज आपने किया तो कल वाले टेस्ट में तो 20 के 20 पटाख से अटेम्प्ट कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। और जो लोग बेटा स्पीड में 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, उतने टाइम में 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं और अच्छी खासी रैंक भी लेकर आ रहे हैं, बेटा उन्होंने बहुत मेहनत किया एक्यूरेसी के ऊपर। तो आपको भी एक्यूरेसी के ऊपर उतना ही मेहनत करना है, स्पीड के पीछे आपको नहीं भागना है, स्पीड ऑटोमेटिक डेवलप होगी। करेक्ट है, समझ में आई मेरी बात? तो ये हुआ कि आप टेस्ट सीरीज को कैसे आप एनालाइज करोगे और कैसे आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हो अपने फर्दर प्रिपरेशन के लिए। आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इज वेरी गुड। अब देखो एक चीज और भी आती है, टेस्ट सीरीज के बेसिक एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज ये होता है कि आपको एक रियल एग्जाम का एनवायरमेंट आपको फील होता है, आपका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, आपकी सिली मिस्टेक्स आपकी कम होती चली जाती हैं, आप एक हैबिचुअल होते हो एक ऑनलाइन पोर्टल पे जिसमें एक ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है, जिसमें कैलकुलेशन करना और इतने टाइम में ही इतनी चीजें करनी है, आप एक हैबिट आपकी क्रिएट होती चली जाती है। और ये सब कुछ आपको अल्टीमेटली फायदा कहां करता है, जब आप रियल गेट एग्जाम में बैठोगे तो आपको एटलीस्ट ये कैलकुलेटर वाली प्रॉब्लम, कम टाइम में कैसे अरेंज करना, सिली मिस्टेक नहीं करना, ये सब कुछ अगर इंप्रूव हो चुकी है तो बताओ उसका फायदा नहीं मिलेगा आपको रियल एग्जाम में? बिल्कुल फायदा मिलेगा। इसीलिए टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से करो, बहुत ही सीरियसली करो, हर एक टेस्ट को ऐसा फील करके करो दिस इज योर गेट एग्जामिनेशन, तभी बेटा चीजें अचीव हो पाएंगे, अदरवाइज चीजें अचीव नहीं होती हैं। बड़ी मेहनत लगती है कोई भी चीज पाने में ना, बड़ी मेहनत रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्टकट नहीं होते इन सब चीजों के, हार्ड वर्क हमेशा रिक्वायर होता है जब भी आप कोई चीज अचीव करना चाहते हो लाइफ में। तो लाइफ हमेशा याद रखो, अपने आप को मोटिवेट रखो। मोटिवेट का मतलब नहीं बस मोटिवेट ही हो रखे हो आप हर समय, बस मोटिवेट ही हो रहे हो आप। मोटिवेट होने का मतलब होता है मोटिवेट, तो आप एक बार अगर आप मोटिवेट हुए तो उसको कंटिन्यू भी करना सीखो। ये नहीं हर दो दिन में आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट हो कि मैं टेस्ट सीरीज में कैसे अच्छे मार्क्स लिखाऊं। आप हार्ड वर्क तो नहीं करना चाह रहे हो, आपको मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। You must take care of hard work regarding that kind of motivation. Is it okay? तो मैं यहां जो भी बातें करता हूं ना, मैं लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको प्लान बताया 100 डेज जो प्लान बताया, स्लॉट वन जो बताया, आपका 4 दिन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं ऐसे ही आपको बताता रहता हूं। मैं हमेशा फैक्ट की बात करता हूं, मैं दाएं बाएं की बातें नहीं करता हूं, जबरदस्ती आपको बस मोटिवेट करता रहूं और आपका रियल एस्पेक्ट आप बहुत दूर हो। रियल एस्पेक्ट ये है बेटा, तो रियल एस्पेक्ट आपका समझना इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज करो या कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो। ओके, तो ये तो होपफुली आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आप सब कोई इसको प्रॉपर वे में लीजिए, समझने की कोशिश करिए जो एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं। और स्लॉट वन को आपको 10 डेज में कंप्लीट करना है। 10 डेज जैसे कंप्लीट होगा मैं स्लॉट टू का वीडियो लेकर आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। ओके, लेकिन स्लॉट वन का रिस्पांस मुझको देखना है कि एग्जैक्टली कितने लोग उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और ये कमेंट जरूर करो, मेरा जानना इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जैक्टली उसको कर कैसे रहो, क्या वो सही तरीके से डेवलप हो रहा है, क्या उसका एडवांटेज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर एडवांटेज नहीं मिल रहा तो फिर मेरा बनाने का मतलब क्या है, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया ना। ऑब्वियसली मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे और डिस्कस करेंगे और पॉइंट्स को रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज एंड प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग अबाउट द गेट 2020। बस मन बनाकर रखो बेटा, गेट बहुत ही जबरदस्त आपको देना है। दैट इज द ओनली टारगेट, ओनली एम, ओनली पैशन इन यू। आपको जितना ज्यादा पैशनेट रहोगे एग्जाम के लिए उतना ज्यादा आप अच्छा वर्क करोगे। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही जेनिक टीम आपके साथ बनी रहेगी और आपसे डिस्कशन करती रहेगी। थैंक यू सो मच।